बड़े उत्साह से नागपुर शहर में 18 प्लस का टीकाकरण सप्ताह भर पहले किया गया, लेकिन गुरुवार 1 जुलाई को भी टीके उपलब्ध नहीं हो पाने से टीकाकरण बंद रखने के अलावा निर्णय मनपा ने लिया। ऐसे में शहर व्यवस्था में लगातार तीसरे दिन टीकाकरण नहीं हुआ। शहर में टीकाकरण के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। नागपुर में 23 जून को 18 प्लस का टीकाकरण शुरू हुआ, लेकिन इसमें से 25 जून, 27 जून, 29 जून, 30 जून को टीकाकरण नहीं हो पाया। ऐसे में साफ है कि 8 दिनों में से 4 दिन टीके के अभाव में मुहिम प्रभावित हुई। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने बताया कि शासन की तरफ से कोविशील्ड की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने से टीकाकरण गुरुवार को बंद रखने का निर्णय लिया गया। 3 केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाई जा रही है। मनपा की पूर्व सभापति अरुण डवरे ने बताया कि ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था होने की वजह से टीकाकरण केंद्रों पर लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। स्टॉल का जो समय दिया जाता है उस समय पर संबंधित व्यक्ति टीका लगाने तो पहुंचता है, लेकिन वहां लंबी कतार लगी रहती है। टीके भी उपलब्ध नहीं होने से लोगों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे में स्लॉट की टाइम का सिस्टम बंद किया जाना चाहिए। नागपुर शहर में अब तक 8,81,506 टीके लगे। इनमें 6,68,497 ने पहले टीका तथा 2,13,011 ने दूसरा टीका लगवाया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BC न्यूज़ नागपुर।